तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें कहते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेम पोटेंशियल इज वन वन अपॉन अंडर रूट, तो एम की वैल्यू। तो डी ब्रोगली लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन का हमें रेशियो निकालना। हम सबको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कुछ नहीं, वो हीलियम न्यूक्लियाई है, तो 4 और 2। और अगर प्रोटॉन जो है तो वो प्रोटॉन के पास अगर मास m है और चार्ज e है, तो अल्फा पार्टिकल के मास 4m होता है और चार्ज 2e होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आइडिया पहले से होना चाहिए, तभी इसको सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से तुम देखोगे जो जो लैम्डा है इन जनरल एच अपॉन मोमेंटम पी के इक्वल है, और एच अपॉन मोमेंटम को मैं एम भी लिख सकता हूँ, और एच अपॉन मोमेंटम को 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट लिख सकता हूँ बड़े आराम से। तो एच अपॉन 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, और पोटेंशियल डिफरेंस भी अंडर रूट, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बात आ रही समझ में। वेयर काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल है, तो वर्क डन इक्वल है और ई और वी के बराबर है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ से लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू बाई पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल है डी ब्रोगली, सेम पोटेंशियल, चार्ज दोनों पे सेम नहीं है, एच सेम है, टू कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम ई मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल अंडर रूट के इक्वल है। तो ये इक्वेशन मैं यूज करूँगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को मैं रेशियो के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, रेशियो यूज करना चाह रहा हूँ। तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करोगे यहाँ, तो यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, देखो मास ऑफ प्रोटॉन एम है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई है, तो मास ए 4m होगा और ये आ जाएगा 2e आ जाएगा, और ये सब कुछ अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ई ने ई, एम ने एम को यहाँ से काट दिया, तो 1/8 अंडर रूट आ गया, समझ रहे हो। तो एन अपॉन अंडर रूट, तो अब कंपेयर कर दो 1/m अंडर रूट से, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यहाँ से ये जो एम कोई कॉन्स्टेंट था, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।